नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किसी को भी अपने एड्रेस पे, अपने लोकेशन पे, अपने घर पे, अपने ऑफिस पे किस तरह से बुला सकते हो लोकेशन शेयर करके। कि लोकेशन शेयर करने का भी दो तरीका है, एक तो गूगल मैप के थ्रू और एक व्हाट्सएप पे। किसी को भी अपने व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल मैप के थ्रू आप लोकेशन शेयर करके उनको आसानी से बुला सकते हो, जिसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें किसी पर्सन से, किसी से भी एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप भी अगर किसी एड्रेस पे जाना चाहते हो और उस एड्रेस का लोकेशन आपके मोबाइल पे कोई शेयर करते हैं गूगल मैप या व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसको फॉलो करके आप भी उस एड्रेस पे पहुंच सकते हो आसानी से, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप लोकेशन शेयर किस तरह से कर सकते हो और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं एक नंबर सेलेक्ट करूँगा, मेरा घर का नंबर है वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस नंबर को जैसे आप कोई मैसेज करते उस तरह से सेंड करता हूँ। क्लिक किया मैंने और राइट साइड में कैमरा के बगल में आप देखेंगे तो एक सिंबल है, उसे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो चलिए देखिए ओपन हो जाता है इस तरह का ऑप्शन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन पर क्लिक करूँगा जो लोकेशन का लिखा हुआ ऑप्शन है। जैसे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के स्क्रीन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये शेयर लाइव लोकेशन है और शेयर योर करंट लोकेशन है। लाइव लोकेशन अगर आप शेयर करते हो तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे उनको आपका लोकेशन दिखेगा, और अगर आप करंट लोकेशन शेयर करेंगे तो आप जहाँ से शेयर करेंगे सिर्फ वही लोकेशन दिखेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव लोकेशन शेयर करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट अब मैं लाइव लोकेशन शेयर करता हूँ, जैसे ही लाइव लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो उनके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल फ़ोटो दिख रहा है ये मेरा लोकेशन है और इसके नियर बाई सारे लोकेशन दिख रहे हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, मैं सारा स्टेप बताया हूँ और आपको अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा मेरा जो नियर बाई लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पर नीचे देखिए टाइमिंग है। टाइमिंग मतलब होता है कि आप कितने देर उनको दिखाना है लाइव। चलिए मैं सेंड किया, अब मैं इसे सेंड जैसे ही करूँगा उनको सेंड हो गया है। और यहाँ पे देखिए स्टॉप शेयरिंग करना है वो भी कर सकते हो, तो उनको आपका लोकेशन नहीं दिखेगा। अब दिखाता हूँ कि आप करंट लोकेशन किस तरह सेंड कर सकते हैं। सेम उसी सिंबल पे क्लिक करना है। अब देखिए लोकेशन पे अगेन क्लिक करना है और लोकेशन क्लिक करूँगा तो उनको आपका करंट लोकेशन सेंड हो जाएगा। अब ये जो लोकेशन है उनको तब तक दिखेगा जब तक कि वो आपके लोकेशन पर कभी भी अगर क्लिक करेंगे तो उनको ये लोकेशन दिखेगा। अभी देखिए ये रेड में जो है ये मेरा लोकेशन है, मैंने सेंड किया, उनको दिखेगा ये। और अब आप गूगल मैप के थ्रू किस तरह कर सकते हो वो आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे जाना है, मोबाइल स्क्रीन पे गूगल मैप को क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। जैसे ही ये ओपन होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आ रहा है आपके सामने। अब ये सेंटर में देखिए ये मेरा लोकेशन है, यहाँ पे लिखा है यू आर हेयर, ये बीच में ये सेंटर है, ये लोकेशन है मेरा। अब उनको ये लोकेशन पे पहुँचना है यानी मेरे लोकेशन पे, तो ये क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नियर बाई प्लेसेस शेयर लोकेशन आ गया। अब ये शेयर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही शेयर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो उनको लोकेशन मिल जाएगा, मेरा जो करंट लोकेशन है। चलिए मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जीमेल है, मैसेंजर है, बट मैं व्हाट्सएप पे क्लिक किया और सेम नंबर जो मेरा घर का नंबर है उसे सेंड कर देता हूँ उस पर। अब देखिए इस तरह का लिंक उनको सेंड हो गया। अब ये लिंक को जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनको मेरा करंट लोकेशन भी दिखेगा जो गूगल मैप के थ्रू मैंने सेंड किया है। अब देखिए मैं उस मोबाइल में, जिस मोबाइल में सेंड किया उसमें दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। अब देखिए मैंने इसे ओपन किया, जैसे ही क्लिक किया और ओपन किया तो यहाँ पे किस तरह दिखेगा ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन है, ये सेंटर वापस से बीच में दिख रहा है मेरा जो लोकेशन है इसे। चलिए बैक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे गो नीचे लिखा है, गो पे क्लिक करेंगे, ये गो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उनको एड्रेस दिखेगा जहाँ से मैंने सेंड किया है, वो एड्रेस का लोकेशन जैसे ही दिखेगा। तो ये लाइनिंग देख लीजिए आप, ये जो डॉट डॉट लाइनिंग दिखा रहा है इस रूट से जाना है उस जगह पे जहाँ पे मैंने सेंड किया है। और टाइमिंग नीचे दिखा रहा है, 90 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप इसे गाड़ी से भी जा सकते हो। तो आप इसी तरह से लोकेशन पे पहुंच सकते हो या किसी को बुला सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।